नमस्कार। आज की अपनी चौपाल में आप सबका स्वागत है। आज हमने देखा कि देश के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का जो वर्षाकालीन अधिवेशन था, उसका सत्रावसान हो गया। और सत्रावसान के समय विशेषकर एक लोकसभा के अध्यक्षा ने एक लंबी लिस्ट पढ़ के सुनाई कि ये अधिवेशन कितने घंटे चला, उसमें से कितने घंटे काम हुआ, किस तरह से इसमें व्यवधान हुआ, क्या परेशानियां थी, क्यों वो एक सहज तरीके से सदन को नहीं चला पाई। सवाल ये उठता है कि कल जो इस सदन, इस संसद का जो अधिवेशन था, उसके एक दिन पहले जो खत्म होना था, जो कल जो अवरोध थोड़ा बहुत दूर होने की एक संकेत जो मिले, वो आज हमें नजर नहीं आए। क्योंकि जिस समय सत्रावसान हो रहा था, उस समय भी विपक्ष के तमाम सदस्य वहां से शायद उपस्थित नहीं थे सदन में। वजह क्या थी वो कोई स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन जो कल चर्चा हुई, हम आज अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें कि कल जिसको कुछ लोगों ने कहा कि राजनीतिक अंताक्षरी हुई, अब राजनीतिक अंताक्षरी में किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, ये हम नहीं जानते। लेकिन देश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। इस देश का नुकसान जरूर हुआ, क्योंकि जिस बात को लेकर के हंगामा चला 22-23 दिन तक, जिस बात को लेकर विपक्ष अड़ा रहा, कल जब चर्चा का समय आया, उन्होंने अपनी बात को वहाँ पर रखने का काम किया। उनकी तरफ से कुछ 7 या 8 बातों को पूछने का काम हुआ, लेकिन उत्तर और प्रतिउत्तर, आरोप और प्रत्यारोप में वहाँ पे क्या हुआ। मैं जो भोपाल गैस कांड हुआ, उस कंपनी यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन आया चला गया, क्वात्रोची का विषय हम सुनते सुनते पक गए। 20-22 साल पहले की घटनाओं का चर्चा हजारों बार इस देश में हो चुका है। उसके बाद 4 या 5 चुनाव इस देश में हो चुके हैं, और उन्हीं को जवाब अगर देना था तो शायद सत्ता पक्ष, मुझे लगता है, स्कोर नहीं कर पाई। सवाल था ललित गेट, ललित मोदी, सवाल ये था जो मुख्य मुद्दा था। कहीं हम समझते हैं दोनों पक्ष उसमें भटक गए। आरोप प्रत्यारोप तो खूब हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी बात हुई, हल्की भाषाओं की भी बात वहां पर हुई, और हमने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बेल में आना पड़ा जब उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप वहां पर सदन के अंदर किसी सदस्य ने लगाए। सवाल ये उठता है कि मुख्य मुद्दा था भ्रष्टाचार, और ललित मोदी से संबंधित जो प्रश्न थे उनकी गहन चर्चा, कहीं वो नजर नहीं आई। सवाल हमारे देश का वित्त मंत्री जी इस बात में ही लगे रहे पूरे अपने भाषण में कि किस तरह से यूपीए सरकार के दौरान ललित मोदी के ऊपर अगर कोई गंभीर आरोप थे तो किस तरह से टेक्निकली तरीके से उसको केस करने का जो तरीका था, वो फेमा या मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंतर्गत, या जो ब्लू रेड ब्लू कॉर्नर नोटिस जो इशू हुई, वो किस तरह से कमजोर एक कार्रवाई थी, ये साबित करने में लगे रहे। और हम उनसे पूछना चाहते हैं और कि अभी जो 5 अगस्त 2015 को आपने जो ये नॉन अवेलेबल वारंट वगैरह इशू किया, इसका मतलब है कि उनके ऊपर केस तो था, केस वही था, मुद्दा वही था, कोई नई घटना नहीं घटित हुई। अगर उसी मुद्दे पर अगर नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि जो कथित ललित मोदी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें कोई दम है, और इस देश की जनता चाह रही थी कि उसके दूध का दूध पानी का पानी हो, और उसको कोई भी, चाहे किसी भी ग्राउंड पे मदद करने वाला व्यक्ति हो, उसको एक संदेह के घेरे में खड़ा किया जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि इस देश की एक विदेश मंत्री को डायरेक्ट इस तरह का आदमी, जो पिछले 5 साल से देश छोड़ करके एक अपराध करने के बाद भागता फिर रहा है, वो सीधे संपर्क करता है, और वो देश की विदेश मंत्री मानती है सदन में खड़ा होकर कि मैंने उनको एक मानवता के आधार पर मदद किया। सवाल मानवता का आधार एक तरफ है, सवाल ये उठता है विदेश मंत्री ने अगर मदद भी कर दिया, उसके बाद उनको ये कहना चाहिए था कि आप ललित मोदी जी, हम आपको मानवता के आधार पर मदद कर रहे हैं, आप लौट करके देश आइएगा, अपनी पत्नी के इलाज करवाने के बाद आप लौट करके देश आकर के जो कानून के अनुसार जो यहाँ पर प्रक्रिया है उसका सामना कीजिएगा। और उनको विदेश मंत्रालय के अंदर कहीं न कहीं इस बात की नोंद लेनी चाहिए थी कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की, एज ए विदेश मंत्री उन्होंने किस तरह का इंस्ट्रक्शन अपने काउंटर पार्ट को वहां पे यूके वालों को दिया, जिस तरह से उन्होंने कल माना। सवाल ये उठता है कि क्या इस देश के विदेश मंत्री को ये कहने का हक है किसी एक आरोपी के लिए कि अगर मैं मानवता के आधार पर इसकी हेल्प कर रही हूं, और अगर आपने यूके गवर्नमेंट ने उसकी कोई उस तरह से मदद की, तो भारत और यूके का कोई भी राजनयिक संबंध है वो बिगड़ेगा नहीं। क्या ये गारंटी अकेले विदेश मंत्री किसी से संपर्क किए बिना, किसी से सलाह लिए बिना दे सकता है? ये एक अपने आप का प्रश्न का विषय था जिसका उत्तर कल नहीं मिला। आरोप प्रत्यारोप तो खूब हुए,
बहुत अच्छी अच्छी भाषणें भी वहां पे हुई, भाषण कला में सब निपुण है, कभी कोई निपुण लग रहा था, कभी 9 लग रहा था, तो कोई 11 लग रहा था। सवाल, देश अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, वहां पे जिस तरह की भाषाओं का उपयोग कल वहां हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर और रही बात कानून के मुद्दों की, जब खड़गे जी खड़े होकर के किसी का नाम ले रहे थे, किसी मुख्यमंत्री का या किसी का, ये उनको बार बार रूल बुक दिखाई गई 352, 353, 354 कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसको, जिसको नोटिस नहीं दी गई उसका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन सुषमा जी से लेकर के जब वित्त मंत्री तक ने जब जवाब दिया, हम एक नाम पूछना चाहते हैं कि नलिनी चिदम्बरम क्या सदन की सदस्य है, क्या चिदम्बरम आज सदन के सदस्य है, क्या एंडरसन क्वात्रोची से मिलते हुए तमाम जो बातें वहां पे हुई, क्या सोनिया गांधी जी के बहन सदन की सदस्य है, ये तमाम जो बातें सत्ता पक्ष की तरफ से आई, उनको कोई रूल बुक लागू नहीं होता। लेकिन जब विपक्ष का कोई व्यक्ति बात करता है तो रूल बुक के आधार पर उसे कह दिया जाता है ये सदन का सदस्य नहीं है। ये कहीं सोचने की बात है, ये देश देख रहा है कि किस तरह से यहाँ बहुमत के आंकड़ों के आधार पर सत्ता पक्ष अपनी एक अहम जिसे कहते हैं उसकी घुड़सवारी कर रहा है, और इस अहम शायद मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज प्रजातंत्र के लिए नहीं है। प्रजातंत्र में बहुमत आपको मिला है आपकी लोकप्रियता के और आपके काम करने के विकास करने के लिए मिला है, उस अहम के आधार पर अगर आपको ये किसी ने हक नहीं दे दिया कि आप प्रजातंत्र का गला घोट दें, आप प्रजातंत्र के अंदर अपने विपक्षियों को कह दें कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारे कोई संख्या बल नहीं, इसलिए तुम्हें कोई बहस में भाग लेने का हक नहीं, हम जो कहेंगे वो कानून, हम जिस तरह से व्यवहार करेंगे उस तरह से ये कार्यवाही चलेगी, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और कुल मिलाकर कल की जो चर्चा हुई, बहुत आशा थी देश की जनता को, वो निराशा में बदल गई। दोनों पार्टी एक दूसरे को नीचा तो दिखा गई, लेकिन जो मूल मुद्दा था उससे शायद देश भटक गया, मूल मुद्दे का उत्तर देश को नहीं मिल पाया। आशा विश्वास है इस तरह के मुद्दे अगर भविष्य में कभी उठेंगे तो उनका जवाब देश को एक स्वच्छ और एक स्वस्थ परंपरा के हिसाब से एक अच्छी बहस के माध्यम से मिलेगा, न कि आरोपों और प्रत्यारोपों के आधार पर, न कि इस बात पर कि 20 साल पहले क्या हुआ है, यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन किस तरह से चले गए, क्वातर्जी किस तरह से चले गए, तुमने क्या किया, हमने क्या किया, तुम और हम में मामला न उलट जाए। देश के हित में भविष्य में इस तरह की चर्चाएं होंगी, ऐसा हर देशवासी आशा करता है। नमस्कार।